कैटरेक्ट सर्जरी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका समाधान क्या होता है। मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद कई बार बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपने या आपके किसी करीबी ने कैटरेक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद की सर्जरी कराई है या आप सर्जरी कराने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि सर्जरी के बाद क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि कैटरेक्ट सर्जरी क्या होती है। एक्चुअली आपकी आंख का लेंस आपकी एज बढ़ने के साथ साथ क्लाउडी या धुंधला होने लगता है, जिसकी वजह से आपको धुंधला दिखाई देने लगता है। इस धुंधला दिखाई देने की समस्या को दूर करने के लिए कैटरेक्ट की सर्जरी की जाती है। इसमें आपकी आंख का धुंधला लेंस या क्लाउडी लेंस हटा दिया जाता है सर्जरी करके और उसकी जगह एक साफ नया आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है या डाल दिया जाता है। ये लेंस भी अलग अलग तरह के होते हैं। आपकी कैटरेक्ट की सर्जरी की जो कॉस्ट है या जो खर्चा है वो इस लेंस के टाइप पर भी डिपेंड करता है और ये कम या ज्यादा हो सकता है। ये बहुत ही सामान्य सर्जरी है, छोटी सर्जरी है और अधिकांश लोगों को इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। 5 से 10 मिनट में सर्जरी हो जाती है, लेकिन किसी भी सर्जरी की तरह कैटरेक्ट सर्जरी के बाद भी कुछ समस्याएं डेवलप हो सकती हैं। आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो सकती हैं और उनसे बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। सर्जरी के बाद आपको पहले कुछ दिन ब्लरी विजन यानी धुंधला देखने की समस्या हो सकती है जो कई दिन तक रहता है और समय के साथ साथ खुद से ये ठीक भी हो जाता है। आपकी आंख को ठीक होने में समय लगता है। पहले कुछ दिनों में थोड़ी सूजन भी हो सकती है। अगर धुंधलापन या ये सूजन कुछ हफ्तों से ज्यादा चले तो ये किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है, जैसे इंफेक्शन या किसी और कारण आपकी आंख में सूजन या इंफ्लामेशन हो जाना। नंबर 2, ड्राई आईज। बहुत से लोगों को कैटरेक्ट सर्जरी के बाद ड्राई आई की समस्या हो सकती है, आंखों में आंसू नहीं बनते हैं। इसकी वजह यह हो सकती है कि सर्जरी ने आपकी आंसू बनने का जो प्रोसेस था उसको किसी वजह से इंपैक्ट किया है, लेकिन यह भी ऐसा नहीं है कि परमानेंट ऐसा हो जाता है, टेम्परेरी होता है। इसके लिए आंखों को आराम देने के लिए डॉक्टर आपको लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। अगर आंखों की सूजन और सूखापन हफ्तों तक जारी रहता है तो अपने डॉक्टर से भी आपको फौरन संपर्क करना चाहिए। नंबर 3, ग्लेयर या हेलोज का दिखना। रात में रोशनी के चारों ओर चमक या हेलोज दिखाई देना, कुछ घेरा दिखाई देना रोशनी का, या चकाचौंध लगना, ये भी एक समस्या डेवलप हो सकती है सर्जरी के बाद। ये कुछ प्रकार के आर्टिफिशियल लेंस के साथ बहुत कॉमन है। समय के साथ ठीक भी हो जाती है, कभी कभी नए लेंस के साथ एडजस्ट होने में आपको समय भी लग सकता है, लेकिन अगर ये समस्या लगातार बनी रहे और आपको एडजस्ट होने में बहुत ज्यादा समय लगे तो अपने डॉक्टर से फौरन सलाह लें और पता करें कि ये क्या करना चाहिए। नंबर 4, इन्फेक्शन, आंखों के अंदर इन्फेक्शन। हालांकि देखिए इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आई इन्फेक्शन हो जाए सर्जरी के बाद तो ये बड़ी समस्या का कारण बन सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। इन्फेक्शन के लक्षणों में तेज दर्द हो सकता है आंख में, आंख में लालीपन, रेडनेस आ सकता है, आंख से डिस्चार्ज आना शामिल हो सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण महसूस करें तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते आप इस गंभीर समस्या से बच सके। नंबर 5, पोस्टीरियर कैप्सूल ऑसिफिकेशन, जिसको पीसीओ के नाम से जाते हैं, इसे कभी कभी सेकेंडरी कैटरेक्ट भी कहते हैं। होता क्या है कि इसमें लेंस के पीछे एक पतली सी झिल्ली होती है जो समय के साथ साथ धुंधली हो सकती है। कुछ लोगों में जल्दी हो जाती है, कुछ लोगों में देर से। अगर सर्जरी के कुछ महीनों या सालों बाद आपकी नजर फिर से धुंधली हो जाए सर्जरी के बावजूद भी, तो इसका कारण ये पीसीओ यानी कि पोस्टीरियर कैप्सूल ऑसिफिकेशन हो सकता है। इसे एक सिंपल लेजर प्रोसीजर से ठीक किया जा सकता है, लेकिन समय रहते आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। नंबर 6, चेंज इन विजन, यानी कि आपकी नजर में ही बदलाव होगा। आपके विजन में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, जैसे कि फोकस में बदलाव होना, नए चश्मे की जरूरत, ये सब आपकी आंखों के ठीक होने के प्रोसेस का हिस्सा है। अब बात कर लेते हैं कुछ सामान्य टिप्स के बारे में जो आपकी रिकवरी में मदद कर सकती है। जैसे नंबर 1, अपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस का पालन करें, खासकर आंखों की दवाइयों के बारे में। बाकी जो भी आपको ना करने की सलाह दी गई है या बताया गया है उसको पालन करने के बारे में, इसको बिल्कुल ध्यान से पालन करें। नंबर 2, आंख के अंदर सीधे पानी ना जाने दें, आंख पर ऐसे छपाके ना मारे, मुंह ना धुले, गीले कपड़े से चेहरे को साफ करें, आंखों को न रगड़े, न मसले। नंबर 3, ड्रॉप्स को भी जो समय बताया गया है उन्हीं समय पर डालें, अपनी मर्जी से आगे पीछे ना कर लें। दो ड्रॉप का जो टिप है उसको उंगली से टच ना करें, ऐसी चीजें करने से बचें, और जो दवाइयां बताई गई हैं उनको भी समय पे लें। नंबर 4, कुछ हफ्तों के लिए भारी वजन ना उठाएं।
वजन उठाने से, भारी काम करने से बचे और ध्यान रखें हमेशा अपनी आंखों के बचाव के लिए आई शील्ड का इस्तेमाल करें। रात को तो खासतौर से आप आई शील्ड पहन के ही सोएं। और नंबर 5, डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप करते रहें जब तक आपका डॉक्टर सब कुछ ओके ना बोले। और लास्ट में, अगर आपको किसी भी प्रकार की चिंता हो या कुछ असामान्य महसूस हो रहा हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करना ना भूलें। यहां भी कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी से जांच करवाना हमेशा बेहतर होता है इलाज के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके पास कैटरेक्ट सर्जरी से कोई भी सवाल है या कोई आपका एक्सपीरियंस है तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि बाकी लोगों को फायदा मिले। अगली बार तक अपना और अपनी आंखों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, धन्यवाद।